आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा पुलिस लाइन में चल रहे शिविर में रविवार को विभिन्न थानों के पुलिस कर्मियों और महिला रिक्रूट प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन की दिनचर्या में भागदौड़, भारी भरकम कार्यों के बाद होने वाले तनाव को दूर कर अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोजित योग शिविर के तीसरे दिन पुलिस कर्मियों से शिविर में आने के बाद होने वाले फायदों के बारे में जानकारी लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। शिविर में आए पुलिस कर्मियों ने बताया कि शिविर में आने से पहले कारोबार संबंधित बहुत तनाव था, लेकिन जब से योगाभ्यास हम कर रहे हैं तब से तनाव से मुक्ति मिली है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी जीवन शैली में अवश्य लाना चाहिए। इस अवसर पर उमेश कुमार दुबे, प्रतिसार निरीक्षक रमेश सिंह, उप निरीक्षक पुलिस लाइन, योगा वरिष्ठ प्रशिक्षक डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर आराधना सिंह और सीमा छपड़िया द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिसकर्मी, महिला रिक्रूट प्रशिक्षणार्थियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने कहा, लगा के आए हैं और हमारा मदद कैसे होगा, हमको झगड़ा थाने जाना पड़ेगा, तुमको यहाँ से 7 किलोमीटर है और तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं। तो बोली नहीं, हम क्या ऐसा करो, एप्लीकेशन लिख के हमको दे दो। फिर एप्लीकेशन उससे हमने लिया, वहाँ फिर हमने बात किया, हमने कहा इसका काम होना चाहिए और उसको हमने अपने तरफ से 20 रुपया दिया। हमने कहा किराया लीजिए, हम फिर आपकी मदद करेंगे। बिना किसी प्रेशर के अपना कोर्स का एक्सपीरियंस, लेडीज उस टाइम नहीं आई थी, आप लोग में से कोई आए? गर्ल्स आप आइए, फर्स्ट नंबर। हमको ये करके बहुत अच्छा लगा, इससे हम जो कि अपने भी प्रभावित हुए और अपने साथियों को भी प्रभावित करेंगे इससे, और आगे उसको उनको भी बताएंगे कि ऐसा करने से उनकी शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। बहुत ही अच्छा किया, यहाँ आने से पहले हम सोच रहे थे कि पता नहीं जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सोचे थे कि जाने के बाद कुछ ना कुछ वहाँ से आने से पहले कुछ सीख के आएंगे, और वाकई में यही हुआ। हम यहाँ जो भी सीखे, जो भी एक्सपीरियंस हमें मिला, उसका उपयोग करके हम अपने भविष्य में अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रख सकते हैं, खुद का पे भी यूज कर सकते हैं और अदर लोगों को भी बता सकते हैं कि इसका इस एक्सरसाइज का उपयोग करके हम कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्या क्या नहीं लेना बोल दीजिए? बीड़ी, तंबाकू, शराब नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है और शाकाहारी भोजन, क्योंकि हमारा शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है। तो कल हम लोग कितने बजे मिलेंगे? मिट्टी लगाओ, मिट्टी दाबो तुम लोग लड़के दाबो दाब दो उसके दाबो कर देना सर। मेरा नाम है प्रतिमा कुमारी वर्मा, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ 3 दिन से ऑटो मतलब फिल्म में ज्वाइन की हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं ट्रेनिंग मतलब जो भी कर रही थी अपना परेड वगैरह उसमें बहुत तनाव महसूस, लेकिन यहाँ जब से आए हैं तब से बहुत अपनापन और बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अपने आप से बहुत शांति महसूस कर रहे हैं, और ये करने से मेरा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और आगे भी मतलब स्वस्थ रहेंगे। अभी तो शुरुआत है सर, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे और स्वस्थ रहेंगे हम करके। कितने घंटों, कितने समय में प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा महसूस होता है तनाव से मुक्ति? सर जब से करते हैं और पूरे दिन मतलब कल तक मतलब जब तक यहाँ आते हैं तब तक भी मतलब स्वस्थ रहते हैं, एकदम लगता है कि हम फुर्तीले हैं, तनाव नहीं महसूस होता है ये सब करने से। जी, मेरा नाम हरे कृष्ण है, मैं उरुआ बाजार थाने से मैं आया हूँ यहाँ पर। जो है आकर एक आध्यात्मिक प्रोग्राम मुझे ये हुआ कि अपने स्वास्थ्य के बारे में हम कैसे सतर्क रह सकते हैं और सांस पर नियंत्रण, ये शरीर की सारी प्रतिक्रियाएं सांस पर ही निर्धारित है और ये सांस
लेकर और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं और शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अपने कार्य क्रिया को पुलिस विभाग में हम बहुत अच्छे तरह से इस जीवन में उतार लें तो कर सकते हैं हम। सर मेरा नाम बबली गौड़ है, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हूँ। क्या लाभ मिला सर? ये अटल लिविंग कोर्स ज्वाइनिंग करके हमें बहुत मतलब रिस्पांस मिला। हम चाहेंगे कि आगे भी हमें सीखने को ऐसे मिले। जो भी एक्सरसाइज हम इस टाइम सीखे हैं उसका उपयोग करके अपने लाइफ में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, और जो भी हमारे साथ मिलेंगे अदर्स लोग अपनी जो भी अनुभव मिला उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, जिसका वो यूज करके अपने लाइफ में मतलब फिजिकली और मेंटली अच्छे तरीके से रह सकते हैं। मेरा नाम स्नेहा गोयल है, बनारस से हैं पर ग्राम वहाँ आजमगढ़ से हैं। आने से पहले किस तरह का तनाव था और शिविर में ज्वाइन करने के बाद क्या महसूस हो रहा है? सर पहले हमें बहुत तनाव था, लेकिन अब यहाँ आके तनाव मतलब तनाव से मुक्त हो गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में आके हमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को मतलब स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गए हैं, दूसरों को भी सचेत करेंगे इसके लिए। और हम सर विभिन्न प्रकार के मतलब ये शैलियाँ बताई गई हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे ऐसे योगा किया जाता है सब, और इससे हमारे शरीर को लाभ होगा, मस्तिष्क शांत रहेगा और स्वास्थ्य सही रहेगा। और सुदर्शन क्रिया इसमें बताई गई है, और विभिन्न प्रकार की योगा ध्यान का। चार दिवसीय यहाँ पर हम लोग के द्वारा शिविर आयोजित किया गया था। बेसिकली पर्पस ये था इस तरीके से स्ट्रेस रहित तनाव के साथ अपने प्रोफेशन में रहें और किस तरह की खान पान आचरण किस तरीके से रखना चाहिए, तो उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और मैंने अभी फीडबैक लिया तो कोर्स का जो लोगों का रिस्पॉन्स है उनको बहुत ही अच्छा लगा, फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा, तो भविष्य में भी हम लोग इस प्रकार के कोर्स करने की प्रयास करेंगे।